Hi everyone, welcome again. Previous topic we have learned that interest हम लोग कैसा calculate करेंगे if we given a loan or in advance, यानी अपने employees को हम लोग loan दे रहे हैं तो उसका interest calculate करके उसमें से amount में से deduct कैसे करेंगे. Now this topic is relevant to interest on outstanding receivable. Outstanding receivable यानी क्या हो रहा है? Okay, यानी मुझे जो amount received होने वाला है अगर वो डिले पेमेंट कर रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, वो जो डिले पेमेंट कर रहे हैं उसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करके उससे एक्स्ट्रा अमाउंट कलेक्ट करेंगे. सो देखो, हार्डी सीमेंट स्टोर्स कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन आउटस्टैंडिंग. द इंटरेस्ट इज कैलकुलेट ऑन एन इंडिविजुअल ट्रांजेक्शन. द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10% पर मंथ. कितना है? 10% पर मंथ. फॉर सम कस्टमर्स द इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन सिंपल इंटरेस्ट एंड फॉर सम इट इज कंपाउंड इंटरेस्ट. सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट, कोई बता सकता है? व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट? हेलो, कोई बता सकता है? मराठी में देखते हैं तो सिंपल व्याज यानी चक्रवृद्धि व्याज, ऐसा दो वर्ड्स यूज करते हैं. ओके, इंग्लिश में उसको बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट. द लक्ष्मी सेड इट्स अ परफेक्ट, आई विल एक्सप्लेन इन अ सिंपल लैंग्वेज अगेन. सिंपल इंटरेस्ट यानी क्या रहता है? अभी आई टेकन 1000 ऑफ लोन, 1000 रुपये का मैंने लोन लिया. सो मेरा 10% का इंटरेस्ट है. तो समझ लो पहले महीने में, अभी जून चालू है तो जून में मेरा उसका 10% यानी 100 रुपये इंटरेस्ट लगा. फिर जुलाई में उसका 1000 रुपये के ऊपर 10%, 100 रुपये, ऐसा पर मंथ में 100-100 रुपये इंटरेस्ट लगेगा. बराबर है ना? सो ये क्या हो रहा है, आपका सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेशन है ऑन प्रिंसिपल अमाउंट. कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, द प्रिंसिपल अमाउंट में इंटरेस्ट ऐड हो जाता है पर मंथ. यानी क्या होता है कि फॉर दिस मंथ 100,000 रुपीज और 10% है तो मेरा इंटरेस्ट हो गया 100 रुपीज. तो दैट इंटरेस्ट विल बी एडेड इन 1000. सो टोटल अमाउंट प्रिंसिपल अमाउंट हो जाता है 1100 फॉर द 1st जुलाई. तो 1st जुलाई को 10% किसके ऊपर कैलकुलेट होएगा? 1100 के ऊपर. ओके, वो क्या आएगा? 110 रुपये आ जाएगा. कितना आएगा? 110. सो मेरा 1st अगस्त को मैं अगर इंटरेस्ट कैलकुलेट किया तो 110 रुपये आया. तो 110 रुपये का आएगा, फिर से प्रिंसिपल अमाउंट में ऐड जाएगा. तो 1100 वॉज द प्रिंसिपल अमाउंट, तो 1210 दैट विल बी गेट एडेड. सो इस तरीके से क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट विल बी गेट कैलकुलेटेड. क्लियर है सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट? एनीवन? यस सर. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. टैली प्राइम नया कंपनी क्रिएट करते हैं, हार्डी सीमेंट बोल के. सो दैट इज हार्डी सीमेंट. सो इसको क्लोज करते हो, फर्स्ट कंपनी, कंट्रोल F3. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. शट कंपनी कर दें, एंटर. सो क्रिएट. What is company name? Hardy Cement. Okay, control A, accept.
देन आपको अकाउंटिंग फीचर्स में जाके क्या करना है, आपको शो ऑल फीचर्स और पहले जैसा किया था सेम इनेबल इंटरेस्ट कैलकुलेशन आपको यस करना है। ओके सो इन्वेंट्री है क्या देखते हैं हम लोग, इन्होंने इधर तो कुछ नहीं दिए लेकिन हम लोगों ने स्टॉक आइटम क्रिएट किया रहेगा तो इन्वेंट्री आएगा सन्ड्री डेटर्स इनकम। ओके क्या सेल्स का क्या एंट्री मार रहे हैं तो देखते 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 हैं। ओके सिंपल बैग्स वगैरह बनाए हैं सो यहाँ पे इन्वेंट्री आपको ऐसे रखना है। ओके सो यहाँ पे देखो शो ऑल फीचर्स इनेबल इंटरेस्ट कैलकुलेशन यस, और जीएसटी और टैक्सेशन को हम लोगों ने क्या करना है यहाँ पे नो, यहाँ पे बैक स्पेस नो कंट्रोल एम एक्सेल। सो यहाँ पे देखो आपको इनेबल इंटरेस्ट कैलकुलेशन जीएसटी को नो रखना है, ठीक है कंपनी क्रिएट हो जाएगा। अभी यहाँ पे देखो हम लोग क्या कर रहे हैं, पहले एक डेबिट तृप्ति कंस्ट्रक्शन बोल के एक सन्ड्री डेटर्स एक्टिवेट इंटरेस्ट कैलकुलेशन यस कर रहे हैं। ओके सो हम लोग क्रिएट में जाते हैं, लेजर्स में जाते हैं, लेजर्स में जाके क्या लेते हैं तृप्ति कंस्ट्रक्शन। ओके तृप्ति कंस्ट्रक्शन अंडर सन्ड्री डेटर्स, सो यहाँ पे देता हूँ मैं सन्ड्री डेटर्स मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल यस, एक्टिवेट इंटरेस्ट कैलकुलेशन यस। सो यहाँ पे एक्टिवेट इंटरेस्ट कैलकुलेशन यस, यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे देखो कैलकुलेट इंटरेस्ट ट्रांजेक्शन बाय ट्रांजेक्शन, इसको यस करेंगे और यहाँ पे रेट डालता हूँ तो 10%। सो यहाँ पे 10% पर कैलेंडर मंथ, यानी हर कैलेंडर मंथ के हिसाब से मुझे 10% ऑन ऑल बैलेंसेस। सो यहाँ पे जितने भी बैलेंस रहेगा उसका पैसा। सो यहाँ पे देखो हम लोग ऑल बैलेंसेस के ऊपर एक्सेप्ट करते हैं। सो यहाँ पे दूसरा लेजर क्रिएट कर रहे हैं हम लोग महालक्ष्मी डेवलपर, तो इसको हम लोग कंट्रोल एक्सेप्ट करता हूँ। देखिए यहाँ पे महालक्ष्मी डेवलपर्स सन्ड्री डेटर्स एक्टिवेट इंटरेस्ट कैलकुलेशन यस। ओके सो यहाँ पे देखो इंटरेस्ट कैलकुलेशन यस, देखो ओवरराइड पैरामीटर और ईच ट्रांजेक्शन यस रखा है, कैलकुलेट इंटरेस्ट कैलकुलेशन ट्रांजेक्शन बाय ट्रांजेक्शन यस, यानी पहला जो एंट्री था इसमें हम लोगों ने कुछ भी पैरामीटर सेट नहीं किया था, कैलकुलेट इंटरेस्ट बाय ट्रांजेक्शन यस। ओके सो ये वाला सेट नहीं किया लगता हम लोगों ने लास्ट ट्रांजेक्शन में, चेक करते हैं लेजर्स में एस्केप अल्टर लेजर तृप्ति कंस्ट्रक्शन। ओके किए बराबर किए। ओके कंट्रोल एक्सेप्ट देन अगेन मैं क्या करता हूँ यहाँ से क्रिएट लेजर बोलता हूँ मैं। ओके यहाँ पे महालक्ष्मी सो महालक्ष्मी क्या ट्रेडर्स है क्या, हाँ डेवलपर्स। ओके सो यहाँ पे डी डेवलपर्स अंडर सन्ड्री डेटर्स एक्टिवेट इंटरेस्ट कैलकुलेशन यस। ओके अभी देखो ओवरहेड पैरामीटर फॉर ईच ट्रांजेक्शंस, तो यहाँ हर एक ट्रांजेक्शन में क्या होगा पैरामीटर्स ओवरहेड, अभी ये कैसा क्या क्या इफेक्ट गिरता है इसका हम लोग आगे देखेंगे। ओके सो वाइल ट्रांजेक्शन में आपको एक्सप्लेन करता हूँ हाउ डज एग्जैक्टली इट अफेक्ट एक्चुअली। सो कैलेंडर मंथ ऑल बैलेंसेस और महालक्ष्मी एक्सेल एक्सेप्ट करना। नाउ क्रिएट लेजर सेल्स अकाउंट अंडर सेल्स अकाउंट इंटरेस्ट रिसीवेबल अंडर इनडायरेक्ट इनकम। सो यहाँ पे हम लोग सेल्स अकाउंट अंडर सेल्स अकाउंट कंट्रोल एक्सेप्ट एंड इंटरेस्ट रिसीवेबल अंडर इनडायरेक्ट इनकम। अंडर इनडायरेक्ट इनकम ओके इसको एक्सेप्ट करता हूँ कंट्रोल है। सो यहाँ पे देखो दो क्रिएट किया, अभी वाउचर क्रिएट करेंगे जैसा हम लोगों ने ऑलरेडी क्रिएट किया था डेबिट नोट सेम इंटरेस्ट ऑन बिल्स रिसीवेबल नेम लेते हैं। सो वाउचर के लिए हम लोग क्या करते हैं क्रिएट में जाता हूँ वाउचर टाइप में जाता हूँ। ओके वाउचर का नाम है इंटरेस्ट ऑन बिल्स रिसीवेबल। ओके सो यहाँ पे लेता हूँ इंटरेस्ट ऑन बिल्स रिसीवेबल्स। ओके सो सिलेक्ट वाउचर कौन सा हम लोग का अभी बना रहे हम लोगों डेबिट नोट। ओके
सो यहाँ पे देखो मेथड ऑफ ऑटोमेटिक प्रिवेंट डुप्लीकेट्स यूज ऑन फॉर मैनुअल ओवरराइड। सो यहाँ पे देखो मेथड ऑफ मैनुअल ओवरराइड, ओके प्रिवेंट डुप्लीकेट यस, ओके यूज एडवांस कॉन्फ़िगरेशन यस। ओके एडवांस कॉन्फ़िगरेशन में क्या रखना है आपको, ये हम लोगों ने ऑलरेडी सीखा है लास्ट में पेटी कैश वाउचर में, सो आई विल नॉट फोकस ऑन दैट मच। दैट प्रीफिल विद जीरो यस, ओके एप्लीकेबल फ्रॉम 1 अप्रैल स्टार्टिंग नंबर 1 ईयरली। ओके 1 अप्रैल को क्या आएगा, इंटरेस्ट ऑन रिसीवेबल, सो IR-1 की है IR-। ओके और पर्टिकुलर सर्फेस सफिक्स में क्या देना है आपको, 1 अप्रैल/2021/20-21, देन 1/4/ यहाँ पे 22 आएगा अपना फाइनेंशियल ईयर, सो ये वाला 21-22 आएगा। ओके /21-22 और ये आएगा /22-23, सो दैट विल बी योर। ओके एंटर नेम ऑफ क्लास में आपको यहाँ पे दो क्लास क्रिएट करने हैं, एक सिंपल इंटरेस्ट करते हैं। ओके सो यहाँ पे हम लोग लेते हैं सिंपल इंटरेस्ट, ओके सिंपल इंटरेस्ट में क्या करना है देखो, यूज क्लास फॉर इंटरेस्ट अकाउंटिंग यस, अकाउंट टू बी ट्रीटेड कंपाउंड नो। सो यहाँ पे देखो हम लोग यूज फॉर यस करते हैं और कंपाउंड इंटरेस्ट करना है कि हम लोग को नहीं, फिर हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं दूसरा क्लास क्रिएट करेंगे, दैट इज कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट। ओके यस और यहाँ पे देखो अमाउंट टू बी ट्रीटेड एज अ कंपाउंड इंटरेस्ट को हम लोग क्या करेंगे यस। सो यहाँ पे क्या अगर हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट का वाउचर लेंगे तो दैट अमाउंट विल बी ट्रीटेड एज अ कंपाउंड, और सिंपल इंटरेस्ट लेंगे तो दैट अमाउंट विल बी ट्रीटेड एज अ सिंपल इंटरेस्ट। अभी इस वाउचर को क्या करना आपको, एक्सेप्ट करना है। सो यहाँ पे कंट्रोल है एक्सेप्ट, और हम लोग अभी क्या कर रहे हैं नाउ वी विल चेंज द वाउचर नंबरिंग ऑफ सेल्स वाउचर। सो सेल्स वाउचर को हम लोग को अल्टर करना है, अल्टर करने के लिए अल्टर जाएंगे, वाउचर टाइप में जाएंगे हम लोग और यहाँ पे सेल्स में जाएंगे हम लोग। ओके तो सेल्स में क्या करना आपको, ऑटोमेटिक नंबरिंग को आपको चेंज करना है, सो ऑटो नंबरिंग रख। तो सेल्स वाउचर में देखो ऑटोमेटिक मैनुअल ओवरराइड, यहाँ पे देखो ऑटोमेटिक मैनुअल ओवरराइड, ओके प्रिवेंट डुप्लीकेट्स हैं एडवांस कॉन्फ़िगरेशन को यस। सो यहाँ पे आपको नंबरिंग देना है, सो देखो 15S, सो 15S 1 अप्रैल एप्लीकेबल फ्रॉम 1/4 1 अप्रैल, और आपको क्या देना है सेल्स, तो ऐसे 15S है ना, हाँ प्रिफिल विद 0S है का, ओके यानी 0 भी फिल करना है आपको। ओके सो यहाँ पे देना आपको SL- बराबर सेम एप्लीकेबल फ्रॉम 1 अप्रैल और यहाँ पे /21-22 एंटर 1/4/22 एंटर /22-23। सो यहाँ पे क्या हो गया आपका ऑटो नंबरिंग सिस्टम एक्सेप्ट हो गया, सो कंट्रोल एक्सेप्ट कंट्रोल है एक्सेप्ट। सो यहाँ पे सेल्स का हो गया, नाउ वी आर गोइंग टू क्रिएट अ यूनिट दैट इज सिंपल बी बैग्स। सो यूनिट क्रिएट करने के लिए हम लोग जाएंगे अगेन क्रिएट स्टॉक आइटम यूनिट्स, सो हम लोग क्या यूनिट कर रहे हैं बी फॉर बैग्स, सो बी और यहाँ पे फुल फॉर्म डालता हूँ बैग्स, सो इसको एक्सेप्ट कर देंगे हम लोग। नाउ यहाँ पे देखो क्रिएट यूनिट गेटवे ऑफ टैली स्टॉक आइटम CAC सीमेंट्स प्राइमरी अंडर बैग, सो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे स्टॉक आइटम क्रिएट करते हैं CAC सीमेंट अंडर बैग बी बैग्स। ओके कंट्रोल ए एक्सेप्ट। नाउ क्या बोल रहा है, पहला सोल्ड 4 bags ऑफ CAC सीमेंट एट द रेट ₹250 पर बैग ऑन क्रेडिट टू तृप्ति कंस्ट्रक्शन ऑन 1 अप्रैल। कब कर रहे हैं हम लोग देखो, पहले बैग का क्रेडिट किया हम लोग सेल कर रहे हैं ऑन क्रेडिट बेसिस। सो यहाँ पे क्या करते हो, एस्केप जाता हूँ, वाउचर्स में जाएंगे हम लोग, सेल्स में जाते हैं। ओके सेल्स में सीरियल नंबर देखो ऑटोमेटिकली आ गया, एंटर पार्टी कौन है, तृप्ति कंस्ट्रक्शन है ना, हाँ तृप्ति कंस्ट्रक्शन लिया अंडर सेल्स अकाउंट, और क्या सेल कर हम लोग दैट इज CAC सीमेंट, कितना क्वांटिटी दैट इज 4 bags ₹250 ईच बैग। ओके नेगेटिव स्टॉक मानो में ₹250 ईच बैग।
ओके सो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, बैग सेल कर या सेल कर रहे हम लोग। यहाँ पे पहला कुछ परचेस का एंट्री नहीं है ना, नहीं। ओके सो सेल्स का एंट्री मारा मैंने, उसको एक्सेप्ट करना। सो यहाँ पे देखो ऑटोमेटिक नंबरिंग सिस्टम आ जाएगा, दैट विल न्यू रेफरेंस, और ऑटोमेटिकली 1000 डेबिट रुपीस आपको एक्सेप्ट करना। नाउ फिर से हम लोग फोर बैग सी ए सी 250 रुपीस महालक्ष्मी डेवलपर को 1 अप्रैल को ही सेल कर रहे। देखो सो दोनों को हम लोग 1 अप्रैल को सेम अमाउंट का सेल कर रहे हैं। तो 1 से 7 अप्रैल महालक्ष्मी डेवलपर्स, ओके सेल्स अकाउंट, देन सी ए सी सीमेंट 4, ओके निगेटिव स्टॉक आ जाएगा अगेन 250 रुपीज। यहाँ पे भी देखो ऑटोमेटिक नंबरिंग आएगा, दैट इज 2, न्यू रेफरेंस लेंगे हम लोग ऑटोमेटिक नंबरिंग ऑन 1 अप्रैल। ओके सो यहाँ पे देखो इंटरेस्ट पैरामीटर्स आ गया यहाँ पे। अभी यहाँ पे इंटरेस्ट पैरामीटर्स क्यों आ गया, क्योंकि हम लोगों ने लिखा था ओवरराइड पैरामीटर फॉर ईच ट्रांजेक्शन। क्या बोला था हम लोगों ने, ओवरराइड पैरामीटर फॉर ईच ट्रांजेक्शन को एस रखा था। यानी हम लोग ये जो थिंग था माल तृप्ति कंस्ट्रक्शन के लिए 9 रखा था, महालक्ष्मी कंस्ट्रक्शन के लिए एस रखा। तो इसकी वजह से वो क्या करेगा, हर एक ट्रांजेक्शन में आपको 10% ही देना या चेंज करना है, दैट यू कैन ओवरराइड। ओके पहला जो ट्रांजेक्शन था उसमें ओवरराइड नहीं रखा था, तो बाय डिफॉल्ट 10% ही एक्सेप्ट करेगा, लेकिन यहाँ पे आप ओवरराइड करें तो 10% आपको एडिशनल। सो यहाँ पे हम लोग ओवरराइड कर सकते हैं कि हम लोग पैरामीटर को चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ऑल बैलेंसेस में लेके सेम हम लोग क्या कर रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं। सो हम लोग चेंज नहीं कर रहे हैं, दैट इज ओनली एक्सेप्टेड। नाउ सोल्ड 8 बैग्स सी ए सी सीमेंट 250 थ्रू तृप्ति कंस्ट्रक्शंस ऑन 2 अप्रैल। ओके सो यहाँ पे देखो 2 अप्रैल को फिर से हम लोग कितना सेल कर रहे हैं, 8 बैग्स सेल कर रहे हैं। कितना, 8 बैग्स, एक मिनट। नाउ सोल्ड 8 बैग्स ऑफ सी ए सी सीमेंट्स ऑन 2 अप्रैल। हम लोग क्या कर रहे हैं, 2 अप्रैल को फिर से सेल्स का एंट्री मार रहे हैं। ओके तो सेल्स का एंट्री मारने के लिए क्या करना है, फिर से हम लोग सेल्स जाएंगे। ओके डेट चेंज करना F2 2 अप्रैल। ओके किसको सेल करना हम लोग, अगेन तिरुपति कंस्ट्रक्शन। ये तिरुपति है क्या, हम लोगों ने तिरुपति डाला है, तिरुपति था ना। नहीं तिरुपति था, ठीक है। सो वी आर टेकन एज अ तिरुपति कंस्ट्रक्शन, इट इज अ तिरुपति कंस्ट्रक्शन, नोबडी टोल्ड मी इट इज तिरुपति। ओके सो हम लोग तिरुपति कंस्ट्रक्शन लेते हैं, सेल्स अकाउंट नेम ऑफ आइटम सी ए सी। हम लोग कितना क्वांटिटी सेल कर रहे हैं, 8 क्वांटिटी सेल कर रहे हैं 250 रुपीज पर बैग। ओके 2000 रुपीज न्यू रेफरेंस। ओके सो यहाँ पे देखो अगेन न्यू रेफरेंस आ गया, सो वी सिलेक्टेड एंड एक्सेप्ट द डिटेल्स। ओके सो हम लोग इसको क्या कर रहे हैं, अभी एक्सेप्ट करेंगे। ओके नाउ इंटरेस्ट रिसीवेबल चेक, अभी हम लोग को क्या करना है, इंटरेस्ट रिसीवेबल चेक करना है, क्या करना है, इंटरेस्ट रिसीवेबल। सो सेम हम लोगों ने जैसा रिपोर्ट चेक किया था, विल चेक द रिपोर्ट्स। हम लोग डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में जाएंगे, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स में जाएंगे, इंटरेस्ट कैलकुलेशंस में, इंटरेस्ट रिसीवेबल में जाएंगे। डेट चेंज करना आपको, सो हम लोग F2 पीरियड चेंज कर सकते हैं। सो यहाँ पे इंटरेस्ट रिसीवेबल में जाना, F2 1 अप्रैल 2, आपको कौन सा चेक करना है, 1st में, तो 1/5 Alt F1 डिटेल्स दे दो, संडे डेटर्स आ जाएंगे, डेटर्स को क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखो महालक्ष्मी का कितना रुपीस आ रहा है, 100, और तृप्ति कंस्ट्रक्शन कितना आ रहा है, 293.93। ओके टोटल 193, तो यहाँ पे ओके सो यहाँ पे देखो 100 और 193 रुपीज आपका किसका आ रहा है, तृप्ति कंस्ट्रक्शन का आ रहा है, यानी तिरुपति कंस्ट्रक्शन का हम लोग रिपोर्ट देखेंगे तो यहाँ पे 100 और 193 रुपीज आ रहा है। सो यहाँ पे देखो जैसा प्रीवियसली डाउट पूछा था, देखो ये 1 अप्रैल है, 10% तो ऑटोमेटिकली 100 रुपीज आए, लेकिन ये एंट्री कौन सा है, 2 अप्रैल का, तो यहाँ पे एक दिन कम हो गया, तो उसकी वजह से ये 10% से 200 रुपीज आना चाहिए था, दैट विल कम्स एज अ 193 बिकॉज इट इज टेकन ऑन द 2 अप्रैल। तो ये डेट 2 अप्रैल का एंट्री था, इसकी वजह से ये एक डेट का इंटरेस्ट आपका इसमें से कम आ गया। सो दिस इज हाउ फर्स्ट इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। नाउ
हम लोग को क्या करना है, पोस्टेड सिंपल इंटरेस्ट ऑन आउटस्टैंडिंग बिल्स ऑफ तृप्ति कंस्ट्रक्शन ऑन फर्स्ट में। हम लोग क्या करना है, ये जो इंटरेस्ट है कितना है इसका टोटल इंटरेस्ट 293। तो जैसा हम लोगों ने पहले इसमें किया था, हम लोग को ये सेम इंटरेस्ट क्या करना है, हम लोग को तृप्ति कंस्ट्रक्शन के अकाउंट में ऐड कर देना। ओके, ऑन फर्स्ट में यानी फर्स्ट में पे जाएंगे तो देखो इंटरेस्ट ऑन बिल्स रिसीवेबल का लेजर लेंगे, डेबिट तृप्ति कंस्ट्रक्शन के बैलेंस में हम लोग क्या करेंगे 100 रुपीज ऐड कर देंगे और उसको एक्सेप्ट कर देंगे। सो यहाँ पे देखो 100 रुपीज ऐड कर देंगे डेबिट अमाउंट और इंटरेस्ट रिसीवेबल्स में 100 रुपीज ऐड कर देंगे, दैट इज ऑन द फर्स्ट मे। तो हम लोग खाली 100 रुपीज उसमें ऐड कर रहे हैं, हम लोग दूसरा एंट्री नहीं कर रहे। सो यहाँ पे देखो सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से हम लोग इंटरेस्ट ऑन रिसीवेबल ऐड कर रहे हैं। सो यहाँ पे एंट्री नंबर 4, एस्केप जाता हूँ मैं अकाउंटिंग वाउचर्स में। ओके, सो यहाँ पे देखो पेमेंट में अगेन हम लोगों ने डेबिट नोट लिया था। हाँ, पेमेंट में अभी का डेट का मेरे को समझा नहीं पड़ा, क्या हुआ? हेलो, हाँ बोलना। अभी जो आपने बोला ना डेट का, डेट के बारे में बोल रहे थे, एक दिन का 10% लगा 193। हाँ, वो पॉइंट नहीं समझा मेरे को। हाँ, यहाँ पे देखो हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी स्टेटमेंट्स ऑफ इन्वेंटरी में, सॉरी स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स में जाएंगे, इंटरेस्ट कैलकुलेशंस में, रिसीवेबल्स में जाएंगे, एंटर डेटर्स तृप्ति कंस्ट्रक्शन। अभी यहाँ पे टोटल इंटरेस्ट हम लोग को डेट चेंज करना है F2 फर्स्ट अप्रैल टू फर्स्ट मई। तो यहाँ पे देखिए ये 100 रुपीज़ आया, क्यों 100 रुपीज़, 10% था ना इंटरेस्ट, तो 1000 के ऊपर 10% कितना गया 100 रुपीज़, तो 2000 पे ऊपर कितना आना चाहिए था 200 आना चाहिए था। लेकिन ये एंट्री कब मारा है मैंने, 2 अप्रैल को मारा, यानी कंप्लीट मंथ है क्या इसमें इनबिल्ट नहीं है, यानी ये 1 अप्रैल टू फर्स्ट में बराबर है लेकिन ये 2 अप्रैल से एंट्री है तो इसमें एक दिन कम है, तो उसकी वजह से वो 200 रुपये नहीं ले रहे हैं, एक दिन का इंटरेस्ट कम कैलकुलेट कर। समझा? ओके ओके ओके। हाँ सॉरी नहीं समझा मुझे क्या क्वेश्चन है। नहीं, ऑन ऑल बैलेंस ही है ना। नहीं, वो सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट का नहीं, ये वो बाय डिफॉल्ट सबके लिए आएगा। आप डेट नहीं, वो सबके लिए लेगा वो, आप कौन सा डेट का एंट्री लेते हैं ना। अगर वो रिपोर्ट में मैं फर्स्ट में के जगह 15 में लेता तो 15 दिन का इंटरेस्ट दिखाता ना उसमें एडिशनल। समझ में आ रहा है क्या? इट इज़ नॉट ऑन डे बाय डे और हाँ उसके हिसाब से नहीं है, इट डिपेंड्स ऑन विच डेट यू आर टेकिंग। ओके, अगर वही 2 अप्रैल टू 2 मई रखता है, रखती तू तो बराबर 200 दिखाता। आर यू गेटिंग? ओके, सो यहाँ अभी यहाँ पे देखो तृप्ति कंस्ट्रक्शन के लिए मुझे सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करना, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, पेमेंट में, डेबिट नोट में, इंटरेस्ट ऑन रिसीवेबल्स और यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट लेते हैं। ओके, सो यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, जो 100 रुपीज़ है तृप्ति कंस्ट्रक्शन से 3000 रुपये आने वाला है उसमें 3100 रुपये करना है, बराबर ना। सो यहाँ पे तृप्ति कंस्ट्रक्शन लेता हूँ मैं और यहाँ पे देखो पहला फील लेते हैं एंड ऑफ लिस्ट 100 रुपीज़। ओके, सो हम लोगों ने क्या किया, फर्स्ट ऑफ ऑल पहले बिल के अगेंस्ट जो 100 रुपीज़ था दैट वी एड एज अ सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेशंस। ओके, सो यहाँ पे देखो बिकॉज वी वुड लाइक टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन बिल्स आउटस्टैंडिंग डेज इक्वल टू मोर देन 30 डेज। सो यहाँ पे देखो हम लोग क्या करते हैं, अभी 100 रुपीज ऐड कर दिया तो यहाँ पे 100। सो यहाँ पे आपको क्या करना है, इंटरेस्ट रिसीवेबल बोल के उसमें 100 रुपीज ऐड कर देना आपको, क्लियर। और न्यू रेफरेंस में आपका ये ऑटोमेटिक रेफरेंस आएगा, देखो हम लोगों ने ऑटोमेटिकली इंटरेस्ट ऑन बिल्स रिसीवेबल के लिए रेफरेंसेस नंबर दिया है तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा 100 रुपीज़। ओके, नाउ यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, क्रेडिट इंटरेस्ट रिसीवेबल, यहाँ पे इंटरेस्ट रिसीवेबल 100 रुपीज़।
सो हम लोगों ने यहाँ पे क्या हो गया, 100 रुपया, जैसा पहला कैसा उधार चंद के अकाउंट में 4,000, तो 4,400 किया हम लोगों ने, सेम यहाँ पे हम लोगों ने 100 रुपया ऐड किया, तो तृप्ति कंस्ट्रक्शन से मुझे अभी 3,100 रुपया आने वाला है। क्लियर है? सो दिस इज हाउ सिंपल इंटरेस्ट विल बी कैलकुलेटेड। तो इसको मैं एक्सेप्ट करता हूँ। नाउ मुझे क्या करना है, अभी कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, फॉर होम, फॉर महालक्ष्मी डेवलपर्स। सो हम लोग क्या करते हैं, ट्रीटेड एज अ कंपाउंड इंटरेस्ट। सो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे अगेन एंटर, फिर से क्या करता हूँ, पेमेंट में जाता हूँ मैं, डेबिट नोट क्लिक करता हूँ मैं, और यहाँ पे मैं लेता हूँ कंपाउंड इंटरेस्ट। ओके, सो ये नंबर ऑटोमेटिकली आ जाएगा, एंटर, और यहाँ पे मैंने लिया महालक्ष्मी, और यहाँ पे एक ही बिल था वो एक्सेप्ट कर लिया, एंड ऑफ लिस्ट। और यहाँ पे देखो इंटरेस्ट ऑन रिसीवेबल्स, यहाँ पे देखो कंपाउंड इंटरेस्ट करके आपको कौन से बिल के अगेंस्ट हम लोग 100 रुपीज़ ऐड कर रहे हैं, तो इसके ऊपर भी 1,100 रुपीज़ ऐड हो गया, और यहाँ पे इंटरेस्ट रिसीवेबल में 200 रुपया टोटल बैलेंस हो गया। अभी फिलहाल यहाँ पे कुछ नहीं दिखेगा क्योंकि हम लोगों ने खाली पहले मंथ का ऐड किया बैलेंस। नाउ व्हाट वी हैव टू गो, हम लोग क्या करेंगे, फिर पोस्टेड सिंपल इंटरेस्ट ऑन आउटस्टैंडिंग तृप्ति कंस्ट्रक्शन ऑन 1 जून। तो हम लोग को क्या करना है, 1 जून को फिर से सिंपल इंटरेस्ट करके तृप्ति कंस्ट्रक्शन में अमाउंट ऐड करना है। कब ऐड करना है, ऑन 1 जून ऑफ ₹100। सो यहाँ पे देखो हम लोग फिर से क्या करते हैं, F2 चेंज करते हैं। आपको अब जून तक का रिपोर्ट देखना है तो यू कैन चेक, आप जाके चेक करके, रिपोर्ट चेक करके बाद में रखना। अभी मुझे फिर से सिंपल इंटरेस्ट देना है, तो इसके लिए मैं पेमेंट में जाता हूँ, डेबिट नोट लिया मैंने, और यहाँ पे मैंने सिंपल इंटरेस्ट लिया, एंटर। सो यहाँ पे देखो अगेन तृप्ति कंस्ट्रक्शन लिया, अगेंस्ट बिल, एंड ऑफ लिस्ट, यहाँ पे देखो 3,200 रुपये आ गया, एंटर करता हूँ मैं, न्यू रेफरेंस, ओके, एंड इंटरेस्ट रिसीवेबल 100 रुपीज़, यहाँ पे 300 रुपीज़ ऐड हो गया। सो यहाँ पे देखो सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से अमाउंट ऐड हो रहा है, यानी 3,100, तो 3,100 के ऊपर 10% लगा क्या, नहीं, प्रिंसिपल अमाउंट 3,000 रुपये था, तो 3,000 रुपये के ऊपर 10%, यानी 1,000 रुपये था प्रिंसिपल, तो उसके ऊपर 10%, तो 100 रुपये, और 100 रुपये उसमें ऐड हो गए। तो यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से कैलकुलेट हो रहा है। नाउ इफ आई गो फॉर द महालक्ष्मी कंस्ट्रक्शन, यानी तिरुपति कंस्ट्रक्शन, ओके, अभी यहाँ पे देखो दूसरा 493 भी हम लोग ऐड कर रहे लग रहा है, ओके, तिरुपति कंस्ट्रक्शन में 1,100 रुपीज़ ऐड कर दिया, और दूसरे में हम लोग क्या कर रहे हैं, 400 भी ऐड, 393.55 भी ऐड कर रहे हैं, ओके, ठीक है, चलो। सो पेजअप करता हूँ मैं, तिरुपति कंस्ट्रक्शन, ओके, और यहाँ पे एंटर, और यहाँ पे ये वाला भी हम लोग, इसको डिलीट करते, वाउचर को कंट्रोल डी, ऑल डी डिलीट करते, ओके, फिर से एंट्री करते हैं, ओके, तृप्ति कंस्ट्रक्शन, 1 100 और दूसरा 393, एंड ऑफ लिस्ट 493, न्यू रेफरम 493 के अगेंस्ट हम लोग इंटरेस्ट रिसीवेबल ऐड कर रहे हैं, तो टोटल अमाउंट आपका तृप्ति कंस्ट्रक्शन में ऐड हो गया, और दैट तृप्ति कंस्ट्रक्शन बैलेंस 3,593.55 ऑन 1 जून हो गया। ओके, क्लियर है? ओके, देन वी विल गो फॉर द कंपाउंड इंटरेस्ट। हम लोग क्या जाएंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए जाएंगे। सो हम लोग क्या करते हैं, फिर से पेमेंट, डेबिट नोट, हम लोग लेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट, ओके, सो यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट में जाता हूँ महालक्ष्मी। सो यहाँ पे देखो आपका अमाउंट कितना हो गया, 110 रुपीज़ हो गया, बराबर ना, यानी पहला कितना था, 1,000 के ऊपर 10% लिया तो कितना हो गया, 100 रुपये, तो उसका बैलेंस कितना हो गया, 1,100। अभी यहाँ पे 1,100 के ऊपर 10% लगा, दैट इज 110 रुपीज। क्लियर है कंपाउंड इंटरेस्ट का कैलकुलेशन? मैंने स्टार्टिंग में भी एग्जांपल वही बताया था, सेम एग्जांपल यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो हम लोगों ने जब तृप्ति कंस्ट्रक्शन लिया था उसमें 100 रुपये ऐड होके आ रहा था, भले उसमें हम लोगों ने बैलेंस ऐड कर दिया तो भी 100 रुपये इंटरेस्ट आ रहा था, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या हो रहा है, जो आपका इंटरेस्ट है दैट विल बिकम प्रिंसिपल अमाउंट, और प्रिंसिपल अमाउंट के ऊपर आपका 10%, दैट इज 110 रुपीज, एंड ऑफ लिस्ट करेंगे हम लोग, इंटरेस्ट रिसीवेबल 110। सो दिस इज हाउ कंपाउंड इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड। क्लियर है?
110 रुपीज़ यहाँ पे उसको एक्सेप्ट कर देंगे लोग। सो क्लियर है? यहाँ पे देखो मैंने एग्जांपल दिया, ऑलरेडी डिक्लेयर 100 रुपीज़ एडेड ड्यू विच 101,100, सो टोटल अमाउंट इज 110। ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। सो हम लोग को रिपोर्ट देखना है टोटल, तो हम लोग यहाँ पे जाके रिपोर्ट देख सकते हैं। तो गेट योर डिस्प्ले स्टेटमेंट ऑफ आउटस्टैंडिंग लेजर्स, सो गेट योर टेली डिस्प्ले स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स आउटस्टैंडिंग रिसीवेबल्स। यहाँ पे देखो 1 अप्रैल टू 1 जून का टोटल ओवरड्यू बाय डेट्स, और यहाँ पे टोटल अमाउंट आ रहा है महालक्ष्मी तृप्ति, पहला 1 अप्रैल को एंट्री, फिर 2 अप्रैल का एंट्री, फिर आपका 1 मई का 100 रुपीज़ और 493 रुपीज़ तृप्ति कंस्ट्रक्शन का ऐड करके आ रहा है। ओके सो महालक्ष्मी डेवलपर्स के यहाँ पे हम लोग जो अगर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखो इंटरेस्ट 100 रुपीज़, 110 रुपीज़ अलग अलग होके टोटल अमाउंट 1210 दिखा रहा है। दैट इज 1000 रुपीज़ था, उसके ऊपर 1 मई का इंटरेस्ट 100 रुपीज़, 1 मई का 1 जून का 110 रुपीज़, यानी ये टोटल अमाउंट 110 हो गया, उसके ऊपर 10%, दैट इज 110 रुपीज़। तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट करके यहाँ पे 1210 रुपीज़ दिखा रहा है। क्लियर है? एनी डाउट फॉर सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट? तो